टूटे शीशे में टूटी मुस्कान लिए खड़े हैं, बिना जूतों के बड़े ख्वाब लिए खड़े हैं कि टूटते तारों को देख दुआ मांग लेते हैं। अगर पैर टूट जाएं उन पर होंगे खड़े, साथ आगे बढ़ते रहें मुस्कुराहट लिए। Muskurahat Foundation was established to encourage education in the lanes of hardships. We work to make people smile, especially those who are not born to privilege. Muskurahat Foundation helps those people smile by educating them and providing them informal education to bring a change in society. Everyone wants to make a difference, but we all know not everyone can do it. We aim to create a better future, a better life for the underprivileged, to start a movement that ensures their growth. Muskurahat Anganwadi project was started in Asalfa. Already with two slum schools up and running, Muskurahat Foundation is touching the lives of more than 100 families and over 200 children. Every Sunday, 2-hour sessions are conducted. Our team focuses on providing better basic education by teaching and practicing grammar exercises, imparting moral values, and covering various social issues. Not only this, we have incorporated book and newspaper reading into our curriculum to discuss the news, current affairs, so that we can create a better environment for the kids to interact in. We also believe that education is incomplete without art. We involve games, origami, showing inspirational videos to boost their creativity. Each session ends with a prayer. जब हमें यहाँ पे जब हमारी पढ़ाई और रीडिंग जब करवाते हैं ना, तो हमें बहुत मजा आता है और वो हमें एक्सप्लेन करके समझाते हैं। हमें एक बार नहीं समझ में आता है तो दूसरी बार हमें समझाते हैं, तीसरी बार भी समझाते हैं। यहाँ पे एक्टिविटीज रखा जाता है, उसके अलावा कम्युनिटी लीडर प्रोग्राम रखा जाता है। उसमें मुझे नॉमिनेट किया गया है कि यहाँ पे जो असलफा में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन कैसे करना है वो मैं अभी सीख रही हूँ। उन्होंने अगर मेरी स्टार्टिंग में हेल्प नहीं की होती, सपोर्ट नहीं किया होता, तो मैं यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ वो मैं बोल नहीं पाती। इंग्लिश पढ़ने में और सबके पूरे क्लास में रीडिंग करने में, ये सब चीज़ों में मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है और मुझे अब बिल्कुल डर नहीं लगता और मुझे ग्रामर और अच्छे से आने लगा है। तेजस्विनी दीदी हमें बहुत अच्छा पढ़ाती है, हम तो सोचते हैं कि ये बहुत टाइम तक चले और अच्छा लगने लगा है पढ़ना और हर संडे बहुत अच्छे से बीतता है। Sneha Sadan is part of Muskurahat's project Kitab. The project was started to empower children in orphanages and shelter homes. Kitab sessions involve book readings, moral activities, logical reasoning, and games. In addition, birthdays and festivals are also celebrated. A key role in establishing the setup was played by Robert Sir. एक साल पहले मुस्कुराहट फाउंडेशन हिमांशु मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है। जब इन्होंने मुझे बताया कि ये खुद का एनजीओ इन्होंने खोले हैं 17 साल की उम्र में, तो मुझे ताज्जुब हो गया कि इतनी यंग एज में जहाँ पर बच्चे अपना भविष्य देखते हैं या अपना लाइफ इंजॉय करने की सोचते हैं, उस वक्त ये लोग उसने एक ऐसा एनजीओ खोला जहाँ पर यूथ
यंग जनरेशन उसके साथ में है, तो मुस्कुराहट ने तभी से उनको पढ़ाना चालू किया। शाम को 4 से 6 एवरी संडे वो लोग विदाउट फेल आते थे। अभी पिछले 3 महीने से उन लोगों ने डेली आना चालू किया है, हर रोज़ आते हैं और जो जो डिफ़िकल्टी है बच्चों को पढ़ाई में उसमें मदद करते हैं। उनके आने के बाद तो बहुत अच्छा मतलब फील हो रहा है कि कुछ बच्चे सीख रहे हैं। दूसरी बात कि सिर्फ इतना ही नहीं, वो बच्चों को इतना खुश रखते हैं कि उनके बर्थडेज पे उनकी विशेज़ फुलफ़िल करते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा मदद मिली है स्टडीज़ में, जब से इन लोगों ने ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है तो मेरे बच्चों में वो बोलने की क्षमता आ गई है कि कम से कम इंग्लिश थोड़ा बहुत अभी बोल लेते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। और वो लोग जो आते हैं हिमांशु गोयनका के मुस्कुराहट फाउंडेशन के वॉलेंटियर्स, ये बच्चों को पहले पढ़ाते हैं आकर कि ये स्टोरी है, एक स्टोरी बोलना है तो स्टोरी बोलते हैं, उसमें वर्ड्स पिकअप कराते हैं, ग्रामर क्या है इसका, ये सब उनको बताते हैं, फिर स्पेलिंग्स होती है। और आगे बढ़ के भी जब मैंने हिमांशु से बात किया तो कहने लगा कि हम कंटिन्यू रखेंगे और उम्मीद रखता हूँ कि ये लोग ये कंटिन्यू रखेंगे हमारे साथ, और ये बहुत अच्छा साथ देते हैं हमारा। और उनके जो यूथ को कलेक्ट करने की क्षमता, उसकी दाद देता हूँ मैं हिमांशु की। और इसके इनके जो वॉलेंटियर्स है 200+ है मेरे ख्याल से, अब ये बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। और हेड्स ऑफ टू हिमांशु एंड हिज टीम एंड ऑल द बेस्ट फॉर देम। For the last 4 years, Muskurahat Foundation is striving to make a difference. Apart from our curriculum, we educate the children and families about menstrual hygiene. A group of youngsters are raging and are desperate to bring about a change and make a difference and set a benchmark for future social activists in our society. Himanshu Goenka has dreamt and carried out the vision since he was 16. Muskurahat started with a dream and soon it became a movement. With just 7 people working at the start, now we are a team of over 200 volunteers. It's so overwhelming to see so many people working day and night for my dreams and making it theirs. I want to make Muskurahat the most impactful youth organization all over India and not just in Mumbai. Yeah.